स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक नया टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में, सक्सेस वॉरियर इंस्टीट्यूट है मेरा, और जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जितेंद्र कुमार आपको पढ़ाऊंगा आज एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं गुडविल। गुडविल के बारे में बात करते हैं कि गुडविल क्या होती है, कैसे गुडविल के संबंध में हम बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं, और गुडविल का रियल मीनिंग या एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि गुडविल का मतलब क्या है। या फेम की बात करते हैं, हिंदी में इसे बोला जाता है ख्याति। और अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में जब इसे ख्याति बोला जाता है तो इसका मतलब क्या है, ऐसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि गुडविल कितने टाइप की होती है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हमें कहीं पर भी मान लीजिए कि कोई परचेजिंग करनी है या हमें जीन्स परचेज करनी है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जीन्स परचेज करनी है, तो अगर हम नॉर्मल जीन्स कहीं भी परचेज करते हैं तो 500, 700, 800 रुपए की हमें मिल सकती है। लेकिन अगर हम किसी ब्रांड की जीन्स परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किल्ट की अगर जीन्स परचेज करते हैं, लेवाइस की करते हैं, या हम रेंगलर की अगर बात करें तो उसकी जीन्स परचेज करते हैं, तो जीन्स परचेज करते हैं उसका प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है कि एक जीन्स हमें 600 या 700, 800 रुपए में मिलती है और एक हमें जो मिल रही है वो 2000, 3000 या 4000 की वो जीन्स मिलती है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? एक क्वालिटी का पहला कंटेंट होगा क्वालिटी, कि जो व्यक्ति रेगुलरली क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, वो क्वालिटी जो मेंटेन होती चली जा रही है, इस वजह से उसकी फेम यानी उस लोगों उसको सब लोग जानते हैं, और वो नोन होने की वजह से अपने नाम की वजह से कुछ एडिशनल अर्न करता है, इट्स कॉल्ड गुडविल। अगर हम फर्म की बात करते हैं तो बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो बहुत लंबे समय से अपना ट्रस्ट बनाकर रखती हैं कैंडिडेट्स या कस्टमर में, तो जो उनका ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के बिहाफ पर फर्म एडिशनल कमाती हैं, तो ये क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गुडविल की तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये कितने टाइप की होती है? अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप की, तो पहला टाइप क्या होता है स्टूडेंट्स? पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरे की बात करते हैं तो जो दूसरा मेथड होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, तीसरी टाइप की गुडविल जो होती है वो कौन सी होती है, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप्स की गुडविल, जो लास्ट वन है, इसको बोलते हैं एसेट वैल्यूएशन मेथड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये गुडविल के जो टाइप्स हैं वो फोर टाइप्स हैं। हेयर डू बी वी आर डिस्कस अबाउट द फोर टाइप्स ऑफ द गुडविल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है। अगर हम बात करते हैं एसेट वैल्यूएशन मेथड्स की, तो इस मेथड से हम गुडविल किस तरीके से निकाल सकते हैं। जब हम कभी भी पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें पार्टनर्स की गुडविल के बेसिस पे हम उनको उनके जो भी रेमुनेशंस होते हैं या जो उनके गुडविल के चार्जेस होते हैं वो हम उनको पे करते हैं, या उनसे जब हम पार्टनरशिप फर्म में उन चीज़ों जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो जब हम वहाँ से रिटायर होते हैं या डेथ होने के केस में हम वहाँ से गुडविल का पैसा अर्न करते हैं यानी कमाते हैं वो पैसा। तो गुडविल के ये चारों केसेस अगर मैं आपको बताता हूँ तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक एक तरीके से एक एक स्टेप में हम इनको समझते हैं कि गुडविल की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, एसेट वैल्यूएशन मेथड्स, इनको डिस्कस करने के लिए एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं आगे की, एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझ लेते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है
सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। और यहां पर होता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। इसको समझते हैं कि अगर कोई फर्म है जिसको एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हम रख सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो मान लीजिए कोई फर्म फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल में 20,000 रुपए अर्न करती है, दूसरे साल की बात करते हैं तो 30,000 रुपए अर्न करती है। अगर हम बात करते हैं तीसरे साल की तो तीसरे साल में वह 25,000 अर्न करती है। और लास्ट वाले ईयर की बात करते हैं तो अगर हम लास्ट वाले ईयर की बात करते हैं तो फिर से वो 20,000 अर्न करती है। उसने प्रॉफिट कमाया इन चार साल में, इनका प्रॉफिट जो है वो चार साल का मैंने आपको बताया है, फोर ईयर का ये प्रॉफिट है। और इस फोर ईयर के प्रॉफिट की बात करें हम तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, चार। इसको टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देख लेते हैं आप, इसको टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद इनका जो सम आएगा वो एग्रीगेट 95,000 आएगा। 95,000 को आप एक बार डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो मैंने ये बताया कि यहां पर इसकी जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद ये आ गई है। गुडविल का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं, देख लेते हैं इसको। गुडविल इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट इंटू एवरेज प्रॉफिट इंटू यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। स्टूडेंट्स ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात कर रहा हूं इसको समझ लेते हैं एक बार, कि जो पार्टनर है वो आपको गारंटीड करता है कि आप जब उस फर्म में जा रहे हैं, जिस फर्म की बात कर रहा हूं उस फर्म में आ रहे हैं या उसे छोड़कर जा रहे हैं तो कितने साल तक उतनी ही गुडविल, उतना ही नाम, उसकी वैल्यूबिलिटी के हिसाब से कितने साल तक वो आपको गारंटेड कर रहा है कि उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो गारंटेड किया है वो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है। अगर मैं यहां बात करता हूं 23,750 जो कि यहां पर एवरेज प्रॉफिट है, और अगर बात करूं कि ये टू टाइम्स है, कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, तो अगर मैं टू टाइम्स की बात करता हूं तो एग्रीगेट गुडविल कितना होगा, इनको अगर मैं जोड़ लूं मल्टीप्लाई करके इनका निकालू अगर, तो इनका कितना निकलेगा वो देख लेते हैं। यहां पर 47,500 ये आपकी गुडविल होगी, तो आपकी गुडविल निकल जाएगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस तरीके से आप गुडविल निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकाल सकते हैं इजीली, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके बाद अगले मेथड्स की बात करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स मैंने ये गुडविल की जो वैल्यू है यहां से कॉपी करनी है या अगले एग्जांपल में मैं इसे यूज करूंगा, तो एक बार नोटेड करके रखें इसे। फिर नेक्स्ट सिनेरियो में अगर बात करते हैं तो दूसरा मेथड जो होता है स्टूडेंट्स, दूसरे मेथड की बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इसको समझते हैं, सुपर एक नॉर्मल सिचुएशन में आप समझते हैं कि सुपर यानी कुछ नॉर्मल से ऊपर, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इसको मेथड को लगाते समय आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड में, आपको जब अप्लाई करेंगे तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट
ये पहला सेगमेंट है कि आपको फॉर्मूले के द्वारा मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं एक चीज और भी बता दूं आपको कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने कैपिटल अपनी लगा रखी है बिजनेस में, बिजनेस की बात कर रहे हैं, और इन्होंने जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसकी बात करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट इन्होंने लगा रखा है, नॉर्मल इन्होंने कैपिटल लगा रखी है 2 लाख, कैपिटल कितनी लगा रखी है 2 लाख, और नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एवरेज प्रॉफिट की बात करें, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 23,750, और अगर बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने इस 2 लाख पर जो कि कैपिटल है इसका 10% अगर निकालता हूं, तो नॉर्मली 2 लाख का 10% की बात करूं तो निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, यहां डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक बार देख लेते हैं, 20,000। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 3,750, ये आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट के बाद आपको एक फॉर्मूला अप्लाई फिर से करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, परचेस्ड। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट है 3,750 इंटू 2 ईयर, 2 साल के लिए, मान लेते हैं कि 2 साल के लिए आपको गारंटेड किया गया है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जो भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट बताया गया है कि गारंटेड किया गया कि इतने टाइम तक ऐसा ही प्रॉफिट लगातार होता रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अमाउंट निकल के आएगी, अमाउंट मैं आपको बताता हूं, वही गुडविल की अमाउंट होगी, उस गुडविल की अमाउंट को मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, 7,500, इट्स कॉल्ड गुडविल। 7,500 आपकी गुडविल निकल आएगी, और आप इस तरीके से गुडविल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये रेट मैंने आपको दिया है 10%, और ये कैपिटल दी है 2 लाख रुपए, जिससे कि मैंने नॉर्मली यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने पुट आउट किया है इस फॉर्मूले में, और यहां पर वैल्यू निकाल ली है सुपर प्रॉफिट की, और सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाया, तो मैंने वहां पर वैल्यू फाइंड कर ली है यहां पर गुडविल की, जो कि यहां लिखी हुई है मैंने। स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले मेथड की बात करते हैं, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करते हैं, कैपिटलाइज मेथड की बात करते हैं, कैपिटलाइज मेथड जो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड उसको समझते हैं। कैपिटलाइजेशन में आपको कैपिटल लगाई गई है, आपकी कैपिटल मैं आपको दे रहा हूं, कैपिटल लगाई गई है 2 लाख, ये आपको कैपिटलाइजेशन मेथड, 2 लाख आपने कैपिटल लगाई हुई है फर्म में, और 2 लाख अगर कैपिटल लगाई है और नॉर्मल रेट क्या है आपका, जो कि मैंने पहले भी लिखा था 10% है, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटलाइजेशन रेट नॉर्मल रेट आपको दिया हुआ है, फर्म कमाती है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है हमने, या फिर एवरेज प्रॉफिट हमें पहले से क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ था उसी को यूज कर सकते हैं हम। अगर फर्म कमाती है, मान लो 25,000 रुपए वो प्रॉफिट कमाती है, ये उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट 25,000 रुपए है ये कमाती है, तो अगर नॉर्मली ये मैंने एज्यूम किया स्टूडेंट्स कमाती है 25,000 रुपए, या फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी जगह हम 23,750 भी रख सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी प्रॉफिट रख सकते हैं आप। तो अगर मैं बात करता हूं कि 25,000 कमाती है,
तो उसके हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, 10% है, तो 25,000 इंटू रेट को अपोजिट कर देंगे, तो रेट को अपोजिट कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी, यहां से वैल्यू कट कर लेंगे तो वैल्यू निकल आएगी 2,50,000। उस व्यक्ति ने 2,00,000 कैपिटल लगा रखी है, जबकि उसे कितनी लगानी चाहिए, 2,50,000 लगानी चाहिए। तो दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो 50,000 रुपए उसने नहीं लगा रखे हैं, यानी कैपिटल नहीं लगा रखी है 50,000। तो वो 50,000 की कैपिटल लगाए बिना प्रॉफिट कमाता है 50,000 का 10%, यानी 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए वो एक्स्ट्रा कमाता है। वो नाम क्या है, वो एक्स्ट्रा क्यों कमाता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है गुडविल, फेम। उसने पैसे लगाने थे 2,50,000 रुपए, जबकि लगाए कितने हैं 2,00,000 रुपए। तो 50,000 रुपए वो एक्स्ट्रा कमाता है। एक्स्ट्रा कमाने का जो रीजन है वो क्या है, उसकी गुडविल, फेम की वजह से वो एक्स्ट्रा कमाता है। पहली सेगमेंट ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं इसको, कि 2,00,000 रुपए लगाने के बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हर बिजनेस की 10%, बट उसको प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट उसको हो रहा है 25,000। अगर हम निकालते हैं नॉर्मल रेट के हिसाब से तो 2,50,000 रुपए उसे लगाने चाहिए, जबकि वो लगा कितने रहा है 2,00,000। और 2,00,000 अगर लगा रहा है तो उसके ब्याप पर अगर मैं देख लेता हूं यहां पर कि 50,000 रुपए उसने कम लगाए, और उस कम लगाने की जो वैल्यू है वो 5,000 उस पर कमाता है, क्योंकि नॉर्मल के हिसाब से 2,00,000 पे तो 10%, यानी 20,000 कमाना चाहिए उसको। तो डिफरेंशियल अगर हम देख लेते हैं इस वैल्यू को, तो 50,000 बिना लगाए, वो बिना लगाए कमा रहा है प्रॉफिट 5,000 का, यानी 5,000 वो अपनी गुडविल की वजह से कमा रहा है, जो कि 50,000 की कैपिटल उसने नहीं लगाई है। वही है कैपिटलाइजेशन मेथड। आगे की बात करते हैं, एक और मेथड है जो लास्ट वन है, उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट वन मेथड की बात करते हैं, और लास्ट मेथड है हमारा एवरेज एसेट वैल्यूएशन मेथड। एक कंपनी की परचेजिंग आपने की, परचेज आपने कंपनी की है 4,00,000 में, 4,00,000 में आपने परचेज की। जब आपने उसकी एसेट्स को वैल्यूड किया और उसकी एसेट्स को नापा आपने, जब उनका एनालिसिस किया और उसकी वैल्यू आपने चेक की कि कितनी हो, कितनी वैल्यू है उसे, उस कंपनी की वर्थ की या वैल्यू की या पार्टनरशिप फर्म की, तो जब एनालिसिस करके आपको पता चला तो उसकी वैल्यू जो थी वो 2,50,000 रुपए की वैल्यू थी। ये उस फर्म की या कंपनी की एनालिसिस करने के बाद वैल्यू आपने फाइंड की, और फाइंड करने के बाद आपने डिफरेंस देखा, किसी फर्म को आपने जिसको परचेज किया उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो डिफरेंस आप देखेंगे तो 1,50,000 रुपए आपने उसको एक्स्ट्रा पे किया है, एक्सेस, ओवर एक्सेस, एक्स्ट्रा पे किया है यानी ज्यादा पे किया है। ये आपने ज्यादा क्यों दिया है, ये ज्यादा जो अमाउंट दी गई है इट्स कॉल्ड द एसेट वैल्यू इंक्रीज। तो इसको क्या बोलेंगे, यही हमारी एसेट वैल्यूएशन मेथड्स वाली गुडविल आएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, गुडविल। ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, गुडविल के कॉन्सेप्ट मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जो कि चारों मैंने आपको बताया। पहला सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा जो मेथड्स मैंने बताया सुपर प्रॉफिट के बाद आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड बताया कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा मेथड मैंने आपको बताया एसेट वैल्यूएशन मेथड्स। स्टूडेंट्स अगर आप गुडविल पढ़ते हैं तो गुडविल का मतलब फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम, यानी बिना पैसा लगाए आप अपने नाम की वजह से कुछ एडिशनल कमाते हैं, इट्स कॉल्ड गुडविल। अगर आपको मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में एक प्लेस है जिसका नाम एक लस्सी वाला है, उसकी बात करते हैं एग्जांपल में, लालमन लस्सी वाले, तो उनका जो नाम चलता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उनका नाम, वहां पर भी जो ग्लास मिलता है लस्सी का वो 40 रुपए का है,
उसके बराबर में एक शोरूम अच्छे से बना रखा है उन्होंने, बहुत अच्छी शॉप बना रखी है और वहां पर एसी वगैरह भी लगे हुए हैं और वहां पर भी वही लस्सी पिलाते हैं, वो भी 40 रुपए का रेट है। एक लोग रोड पर खड़े होकर पीते हैं और एक वहां बैठकर पीते हैं लस्सी, लेकिन दोनों के रेट सिमिलर होने के बावजूद भी वो लालमन जो लस्सी वाला है वो एक्स्ट्रा कमाता है। तो जो लालमन लस्सी वाला वो एक्स्ट्रा कमाता है जबकि उसने वर्थ उतनी नहीं लगा रखी। तो जब आप वर्थ ज्यादा लगाते हैं या कम लगाते हैं, और कम लगाकर जब ज्यादा कमाते हैं तो उसको गुडविल कहते हैं, क्योंकि लालमन एक पुराने लस्सी वाले हैं। तो उन्होंने अपने एक समय में, उनके दादाजी ने जब लस्सी की शॉप खोली थी तब वो, उनके बाद उनके बेटे और उनके बाद अब उनके बेटे काम कर रहे हैं, तो उन पे 3 जनरेशन के कस्टमर आ रहे हैं, तो उनको नाम से जानते हैं, उनका ट्रस्ट जो है वो बन चुका है, उस ट्रस्ट की जो वैल्यू है इट्स कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल को समझने के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक ब्रांडेड आप बर्गर खाते हैं किसी मैकडी में जाके खाते हैं, या पिज्जा हट में खाते हैं, या आप बर्गर किंग में खाते हैं, वहां उसके प्राइस और क्वालिटी में डिफरेंस है, नाम चला रहा है काफी समय से, उसकी वजह से उनकी जो प्राइसिंग है वो ज्यादा है। लेकिन अगर नॉर्मल बर्गर आप बाहर खाते हैं तो 20 से 25 रुपए में मिल जाता है। तो दोनों के प्राइस के बीच में डिफरेंस क्वालिटी का हो सकता है, और एक लंबे समय से रेगुलरिटी में जो चला आ रहा है डिफरेंस, उस डिफरेंस की वजह से वो एक्स्ट्रा कमाते हैं, अपने नाम की वजह से जब एक्स्ट्रा कमाते हैं तो ये गुडविल होती है। जब पार्टनरशिप का हम चैप्टर पढ़ेंगे तो गुडविल एक टॉपिक आएगा, और जब कोई एक नया पार्टनर आएगा तो उस पार्टनर से जो हिस्सा हम मांगेंगे, वो पार्टनरशिप में जो कैपिटल लगी है उसका हिस्सा तो लेंगे ही, लेकिन अगर हमारी बर्थ या गुडविल अच्छी है तो हम उस नाम का हिस्सा, अगर वो व्यक्ति हमारे पार्टनरशिप में प्रॉफिट बराबर बांटना चाहता है या जिस रेशियो में बांटना चाहता है उसी रेशियो में उस गुडविल का हम पैसा भी उस व्यक्ति से लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब गुडविल के टॉपिक के बारे में आपको पूरी तरह से बता चुका हूं। आपको अगर कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करें, वीडियो पर कमेंट कर बताएं मुझे कि इस तरह का डाउट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर हम बात करते हैं अपने गुडविल कॉन्सेप्ट्स की, तो इस तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है गुडविल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आने के लिए धन्यवाद।